तो यारो क्या हाल चाल है, मैं उस्मान टेनिसन फ्रॉम यूके टी मूवीज वर्ल्ड। तो दोस्तों आज कवर करेंगे उन एक्टर्स को जिन लोगों ने डीसी के डेंजरस विलन जोकर को प्ले किया है। वैसे जोकर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1940 में, वो भी बैटमैन के कॉमिक्स इश्यू 1 में। वैसे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, सुपरमैन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो दोस्तों लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, जाओ देखो और इंजॉय करो। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले लाइव एक्शन फॉर्म में जोकर को प्ले किया है सीजर रोमेरो ने। सीजर रोमेरो ने जोकर को प्ले किया था 1966 में, वो भी बैटमैन की टीवी सीरीज में। इनकी एक्टिंग काफी अच्छी थी और लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था इनके वर्क को, और जोकर के आइकॉनिक लाफ का इन्वेंशन भी इन्होंने किया था। देन बैटमैन को प्ले किया था एडम वेस्ट ने, और ये पहला लाइव एक्शन बैटमैन है। सीरीज आपको अमेजोन प्राइम पर देखने मिलेगी। देन बारी आती है फेमस जैक निकोलसन की। जैक ने इससे पहले भी साइको रोल किया हुआ था द शाइनिंग मूवी में, तो उन्होंने जोकर को काफी ज्यादा दमदार तरीके से प्ले किया बैटमैन 1989 में, और साथ ही साथ बैटमैन को प्ले किया था माइकल कीटन ने। जैक निकोलसन जोकर के रोल को प्ले करने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। देन जोकर को प्ले करने के लिए जैक निकोलसन ने $6 मिलियन लिए थे। अब बात होगी मार्क हैमिल की। मार्क हैमिल ने जोकर को काफी सारी एनिमेटेड सीरीज और मूवीज में वॉइस दिए यानी डब किया है। मार्क हैमिल का जोकर इसलिए फेमस है क्योंकि इनका आइकॉनिक लाफ जोकर पे एकदम सूट होता है, पर इनकी परफॉर्मेंस भी निखर कर आती है। और अब बात होगी आपके और हमारे फेवरेट हीथ लेजर की। ये नाम ही काफी आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इस बंदे ने जिस वे में जोकर को पोर्ट्रेट किया है वो काबिले तारीफ है। हीथ लेजर अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते थे और साथ ही साथ एक ड्रग का यूज करते थे ताकि वो जोकर को साइको वे में प्ले कर सके। ड्रग के ओवरडोज की वजह से बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई, मगर उनके जोकर का पोर्ट्रेट हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में, और लोग अभी भी जोकर के आइकॉनिक सीन्स को व्हाट्सएप स्टेटस और एडिट बना के शेयर करते रहते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। देन हीथ लेजर ने जोकर को प्ले किया था 2008 की मूवी द डार्क नाइट में। Why so serious? फिर 2016 में एक मूवी रिलीज हुई सुसाइड स्क्वाड, जिस मूवी में जारेड लेटो ने जोकर को प्ले किया था, मगर वार्नर ब्रोस के कांड यानी सीन्स के कट किए जाने की वजह से उनका पोटेंशियल हमें नहीं दिख पाया, और फैंस अभी भी देखना चाहते हैं उनके जोकर को आयर कट में। मगर जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हुई तो उस मूवी में जारेड लेटो का एक छोटा सा सीन था जिसने इंटरनेट को हिला कर रख दिया, क्योंकि उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा ही अच्छी थी। अब बात होगी वॉकिन फिनिक्स के जोकर की, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, मगर इस मूवी में इतने मजेदार सीन्स नहीं थे क्योंकि जोकर वाले सीन्स काफी कम थे। आर्थर फ्लेक की स्टोरी ज्यादा दिखाई गई थी हमें, मगर तारीफ करनी होगी वॉकिन फिनिक्स की, क्योंकि उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ इस रोल को प्ले किया है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बॉडी का आधा से ज्यादा वेट लूज किया इस रोल को करने के लिए, और वो जोकर के आइकॉनिक लाफ को क्रिएट करने में कामयाब हुए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। The eagle is coming.